हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईशमरी व्लॉग्स। और अभी आज मैं करूँगी बालकनी की सफाई। लक्ष्मी आ चुकी है, वो किचन में काम कर रही है। मैं सोच रही हूँ इतने जब तक वो किचन में काम करती है तो मैं बालकनी क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा प्लांट्स की ट्रिमिंग वगैरह करनी है और बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स ऐसे हो गए तो उनको थोड़ा ट्रिम करके और उसकी सफाई करते हैं। तो चलिए बस करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही सफाई करने का सोच रही थी लेकिन मॉर्निंग में नहीं कर पाई क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा है और अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है। आइज भी ओपन नहीं हो पा रही है, बहुत ही तेज़ धूप आ रही है बालकनी में, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा लेट किया। तो अब सोच रही हूँ अब कर ही देती हूँ, धूप तो रहती है यहाँ पर। वाइजग में ठंड नहीं होती है, गर्मी ही रहती है, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है अभी भी। बस चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बालकनी की सफाई और ट्रिमिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा प्लांट्स को सेट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट्स की ट्रिमिंग वगैरह मैंने कर दी है और पूरा सेट कर दिया है। बस अब बालकनी की क्लीनिंग होगी, वो लक्ष्मी कर देगी, इसको वॉश कर देगी और बाकी ये लाइट ये शाम को लगाएंगे, मिस्टर मरी ऊपर लगाएंगे इसको। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जाएगा, पूरी लटक गई है लाइट, इसको भी सही करेंगे और फिर बालकनी हमारी हो जाएगी रेडी एकदम क्लीन। अभी तो बहुत गंदी दिख रही है लेकिन सफाई करने के बाद एकदम साफ़ हो जाएगी। अभी भी उठ गया है सोकर, बस उठते के साथ शैतानी शुरू हो गई है। कितने बजे उठे हो आज आप? अभी कितने बज रहे हैं? 11 बजे उठे हो आप आज? आज अभी सोकर उठा है 11 बजे, छुट्टियों का पूरा मजा लिया जा रहा है। अभी कर रहा है इधर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में खा रहा है मैक्रोनी और दूध। कैसी बनी मैक्रोनी? अच्छी बनी है। रुद्रा भी लंच में मैक्रोनी लेके गया है, जल्दी फिनिश करो ठीक है। फ्रेंड्स, आज बाहर जितना भी डेकोरेशन लगा हुआ था आज उसको निकाल के वॉश करूँगी सारी, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इसको निकाल के इसको वॉश कर लेते हैं फिर लगाऊंगी। इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं, सारा निकाल लिया, बस इसको लेके चलते हैं मशीन। आज इसको मशीन में डाल के धोऊंगी, मशीन में डालकर धो के देखती हूँ साफ़ होगा या नहीं। अभी अंदर वाली तो क्लीन ही है, वो इतनी गंदी नहीं हुई, बाहर की बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इनको ही वॉश करते हैं। अभी एक दो और भी रखी हुई हैं, उन्हें भी निकाल लेते हैं। सारी मैंने निकाल ली, इसको मशीन में डाल देते हैं वॉश करने के लिए। फ्रेंड्स, आज सुबह सब्जी भी लेकर आए थे तो बस उसको लगाना है। बालकनी का काम खत्म हो चुका है तो बस अब किचन में आई हूँ तो उसको सब्जी लगाऊंगी, हरी सब्जी या पत्ते वाली, तो वो खराब जल्दी हो जाती है तो उसको तुरंत ही लगाना पड़ेगा। आज ही सुबह जाकर सब्जी लेकर आए हैं। ये प्याज है, हरा वाला कच्चा प्याज, हरा प्याज इसकी सब्जी बनती है। मेथी है, पत्ते वाली सब्जी है, अगर बाहर छोड़ दिया तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है तो सोच रही हूँ मेथी को काट कर ही रख देते हैं। आलू मेथी की सब्जी बनेगी आजकल, इनको आलू मेथी की सब्जी बहुत पसंद आ रही है। बाकी सब्जी हम लगा देंगे फ्रिज में। आज तो अरबी भी लेकर आए हैं, अरबी की रेसिपी मैं डालूंगी, दही के साथ बनाती हूँ मैं अरबी, तो उसकी रेसिपी मैं डालूंगी। और भुट्टा भी लेकर आए हैं आज तो, वाह आज तो कॉर्न भी लेकर आए हैं। तो चलिए फिर सब्जी लगाते हैं और मेथी मैं काट के रखूंगी, मेथी को कट करके रखूंगी, बहुत ही फ्रेश फ्रेश मेथी है, काट के रख दूंगी। इसको जब बनानी होगी तो वॉश करके इसको हम बना लेंगे। तो मैं इसे अच्छे से, जैसे आज इसमें मिट्टी नहीं है, रूट्स के साथ है लेकिन मिट्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ है मेथी और इसमें घास भी नहीं लग रही है, लेकिन मैं इसको काट के ही रखूंगी। प्याज लेकर आए हैं, प्याज डाल देंगे उधर। भुट्टा लेकर आए, रुद्रा को बहुत ही ज्यादा पसंद है, रुद्रा को उसको बहुत पसंद है, आएगा तो उसको बना के देंगे ऐसे भून के उबले हुए भी, और ये बहुत ही अच्छा भुट्टा है,
आज तो बहुत ही सारी सब्जी लेके आए हैं, ग्रीन ग्रीन बहुत ही सुंदर लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। ओ आज तो मिर्ची लेकर आए हैं फ्रेंड्स, आज ये मिर्ची लेकर आए हैं, इसकी मैं रेसिपी बनाती हूँ मलाई वाली मिर्ची, इसकी रेसिपी मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और इसको बना के रख लेते हैं 10 से 15 दिन, आराम से चल जाती है, एकदम अचार की तरह हो जाती है मिर्ची। इसकी रेसिपी मैं बनाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। चलिए फ्रेंड मैं फटाफट ये सब्जी लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं। सब्जी मेथी कर लेते हैं कट, इसको काट, गड्डी को खोलेंगे, इसकी मैं थोड़ी सी रूट्स कट करूंगी। फ्रेंड्स मेथी मैंने पूरी काट ली है, बस इसको मैं पॉलिथीन में डाल के फ्रिज में रख दूंगी, जब भी बनानी होगी इसमें से निकालूंगी। और बहुत ज्यादा है मेथी क्वांटिटी में, तो इसके आज इस बार मैं पराठे बनाऊंगी और आलू मेथी की सब्जी, दोनों ही रेसिपी इसकी बन जाएंगी मेथी पॉलिथीन में। अब ये काम ना ईजी हो गया मेरा, तो जब भी बनानी होगी बस इसमें से निकाली, धोया और मैंने बना दिया। धो के तो हम नहीं रख सकते हैं, पूरी गल जाएगी मेथी की, मैं इसको काट के फ्रिज में रख दूंगी, बिल्कुल भी खराब भी नहीं होने की। इस तरीके से इसको रखेंगे तो खराब भी नहीं होने की। बस इसको मैं डाल देती हूँ फ्रिज में और मेथी रेडी है। और बस अब बनाऊंगी लंच की तैयारी करूंगी, फिर रुद्रा का भी टाइम हो जाएगा लाने का, तो रुद्रा को भी स्कूल से लेके आऊंगी, और अभी घर पर ही है, वो खेलने में लगा हुआ है आज। जब तक मैंने ये सब्जियां वगैरह फ्रिज में लगाई है और काटी है, इतनी देर में मेरी जो मैंने मालाएं धोने के लिए डाली थी मशीन में, वो भी मेरी वॉश हो गई है। तो चलिए फिर देखते निकालते मशीन में से। मशीन हो चुका है बंद, खोलते हैं और इन सब को हम निकाल लेते हैं इसमें से। क्लीन तो हुआ है अच्छे से, सारी मालाएं निकाल लेते हैं। अभी ये गीली हैं तो इसलिए चिपकी चिपकी हो रखी हैं, लेकिन जब ये सूख जाएंगी तो एकदम खिली खिली अच्छे से हो जाएंगी साफ। तो इधर जगह नहीं है तो मैं इनको उधर झूले पे डालूंगी, क्योंकि साफ जगह ही इनको रखना है। तो मैं इधर ही इनको फैला देती हूँ सारी मालाओं को, धूप में डाल दूंगी कुछ इधर, तो थोड़ी देर हवा लगने के बाद एकदम ड्राई हो जाएंगी। वैसे मैं ड्राई कर दिया था मशीन में, और कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इनका, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। अभी इन्हें फैलाया हुआ है सारा पजल, सारे घर में फैलाया हुआ है, पूरे रूम में, नीचे भी और यहाँ भी, सारे में, ऊपर भी, पूरी अलमारी वगैरह सब खुली छोड़ी हुई है। ये क्या हाल मचाया हुआ है, पूरा रूम मैंने सुबह क्लीन किया था, है ये क्या हाल कर रखा है। फ्रेंड्स रुद्रा का हो गया स्कूल से लाने का टाइम, तो चलते हैं उसको लेकर आते हैं बस, और मिलती हूँ रुद्रा को लाने के बाद। हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में, रुद्रू अपनी साइकिल को कर रहा है सेट, बोल रहे मम्मा साइकिल टेढ़ी पार्क हो रही है, तो उसको सीधा कर रहा है। बेटा गिर जाओगे, गिर जाओगे, चलानी भी है वो, रोज थोड़ा उसको ट्राई करता है चलाने की। ओके डन, आराम से, वेरी गुड, चलिए चलो चलो किधर, आज उधर से स्ट्रेट से जाना है, यहाँ से कैसे जाओगे, ये कौन से काम हो रहे हैं आपके, कैसे जाओगे। रुद्रू को यहाँ से जाना है, शॉर्टकट लेना है, रुद्रू का आना इधर से, आओ ये देखो शैतानी। करो पैर अंदर करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। और कपड़े दिखाओ, सारे कपड़े गंदे हो गए ना, कोई बात नहीं, अब तो वॉश होंगे ये, चलो चले बटन प्रेस करो। देखो आपकी लिप्स चॉकलेट में हो रखे हैं, चॉकलेट वाली कुकी खाई है ना आपने, है ना, कुकी खाई है ना चॉकलेट वाली, जल्दी आओ, चुप चुप करके क्यों पर करके नहीं जाना होता बेटे, धीरे धीरे ऐसे। ओहो भैया तो नहा के आया है, तो आप यहाँ क्यों छुप रहे हो, भैया को ढूंढना था कोई, आपको थोड़ी ढूंढना है, कर्टन के पीछे कौन है, कहीं लिजर्ड तो नहीं है, वो लिजर्ड है कर्टन के पीछे, लिजर्ड है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी लिजर्ड। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स रुद्रू आ चुका है घर, बस अब उसके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और उसको फ्रेश कराते हैं, और मिलते हैं उसके बाद। ओके ओ ट्राइपॉड, रुको
टूट जाएगा बेबी, नो नो नो, एक एक तो टूट चुका है ना, इसको नहीं लेना, ठीक है? डोंट टच, डोंट टच, इसी से पिटाई लगेगी भी। तैयार हो? और भैया भी आ चुका है नहा कर, रेडी होके, ढूंढ लिया फाइनली। आते के साथ शैतानी शुरू होगी दोनों की ना। सही लगा। क्या क्या कर रहे फिर से, क्या कर रहे हो? आप भी तो कपड़े चेंज कर बेटे, लग जाएगी, लग जाएगी बेबी। अभी टॉवल कहाँ फेंका है बेटे, कहाँ रखना होता है? शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और अभी कर रहा है अपना वर्कआउट। क्या कर रहे हो? वर्कआउट कर रहा है, दिखाते हैं। इधर कर रहा है अपना वर्कआउट। स्पीड स्पीड क्या किया हुआ है? 6। ज्यादा फास्ट मत करो, नहीं नॉर्मल पे कर लो, ढंग से चलो, पैर उठा उठा के। 5 पे कर लो ना, तीन स्पीड में क्यों, नॉर्मल वॉक करो, इतना रनिंग करने की क्या जरूरत है, बस 5 पे कर लो बस, और नॉर्मल चलो अब। हाँ, कितने मिनट करोगे? जब तक 2.5 किलोमीटर होने जाता। 2.5 किलोमीटर, 3 कर लेना फिर, 2.5 का क्या हिसाब है? अभी कर रहा है अपना वर्कआउट और अभी इनको खाने हैं भुट्टे, तो भुट्टे बनाते हैं, भुने हुए भुट्टे खाने हैं। रुद्रा अपने पापा के साथ गया मार्केट बाहर, और अभी भी वर्कआउट करने के बाद भुट्टे खाने हैं उसको भी, सबको तो सबके लिए बनाती हूँ मैं भुट्टे, भून के भुने हुए भुट्टे खाने हैं। तो चलिए फिर भुट्टे करते हैं रेडी। ये सुबह भुट्टे लेकर आए थे भैया, बहुत ही अच्छे एकदम फ्रेश फ्रेश बच्चे खाने। भून के बनाऊंगी, ये नॉर्मल वैसा वाला है जो मीठा स्वीट कॉर्न होता है ना, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, वही वही वाला भुट्टा है। निकाल दूंगी पूरा, बहुत ही अच्छा निकला एकदम, बहुत ही अच्छा भुट्टा है एकदम सॉफ्ट, और ये बहुत ही मीठे निकलते हैं ये वाले भुट्टे। रुद्रा को बहुत ही पसंद है अभी, और रुद्रा को दोनों को, बस इनको मैं भून लेती हूँ ऐसे ही रख दे गैस के ऊपर। आवाज आनी स्टार्ट हो गई है इसमें, भुट्टा बुनना स्टार्ट हो गया है और आवाज भी आनी स्टार्ट हो गई है, खुशबू भी आ रही है बुनने की। फ्रेंड्स भुट्टे बुन चुके हैं और बस अब हम खाते हैं। इस पे मैं नींबू या नमक नहीं लगाऊंगी क्योंकि बच्चों को खांसी है, वरना नमक और नींबू लगा के बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसको हम ऐसे ही खाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अगर हम लोग भी अगर हम लोगों ने भी अपने भुट्टे पे नींबू नमक लगा लिया ना, तो बच्चों को भी फिर ज़रूर चाहिए, इसलिए हम किसी मैं किसी के भुट्टे पर नहीं लगा रही, प्लेन ऐसे ही खाएंगे हम इसको, बच्चों को खांसी है। ये भुट्टे हो चुके हैं रेडी, ऐसे ही खाएंगे। अभी ये लोग बाहर गए हैं, अभी आए नहीं हैं, मार्केट गए हुए हैं सामान लाने के लिए कुछ। फ्रेंड्स भुट्टे वगैरह सबने खा लिए हैं और ये रुद्र पीछे कर रहा है, कुछ सामान ढूंढ रहा है अलमारी में। क्या ढूंढ रहे हो बेबी? और बस अभी मैं खाना बना रही थी आज डिनर प्याज की सब्जी, स्प्रिंग अनियन एक बारी काट लिया, इसको इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें आलू डालेंगे, बस इसको ढक के रख देंगे और 5 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पका लेंगे जब तक आलू हमारा गल नहीं जाता है। और फिर हम फ्रेंड्स सब्जी बनाने रख दिए, बस अब रोटी बनाऊंगी, अब डिनर रेडी कर रही हूँ और बच्चों की शैतानी जारी है। क्या कर रहे हो दोनों? दोनों खेलने में लगे हैं। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।